आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एगलेस पाइनएप्पल स्पॉन्ज केक। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट है। तो आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं, तो इसकी वीडियो आप फुल देखिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्री हीट होने के लिए एक बर्तन को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं भगोने का यूज़ कर रही हूँ, आप कुकर का यूज़ कर सकते हैं। अब एक बर्तन में 2/3 कप में पानी ले रही हूँ और 1/2 कप शुगर पाउडर ले रही हूँ, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, आप हैंड विस्कर से इसे बीट कर सकते हैं जब तक ये शुगर अच्छे से इसमें पानी में मिक्स नहीं हो जाती। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून केक जेल। तो इससे ज़्यादा नहीं लेना और इससे कम नहीं लेना, तो इससे क्या होता है केक बहुत अच्छा और फ्लफी बनता है। तो अब मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी, तो इसमें टेक्सचर ऐसा आ जाएगा जैसे हमने व्हिप क्रीम को बीट करते हैं उसी तरह का ये रेडी हो जाएगा। और ये देखिए मैं अभी इसको थोड़ा सा लो उसमें कर रही हूँ और फिर इसको हाई स्पीड में करूँगी बीट। तो ये देखिए अच्छे से ये बीट हो गया है, इसको देखिए और ये सॉफ्ट पिक आ गई हैं। अब मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ केक कॉन्सेंट्रेट। केक कॉन्सेंट्रेट एक तरह से जो एगलेस केक होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये घर में वैसे बहुत ही कम यूज़ होता है, ज़्यादातर ये बेकरी में यूज़ होता है, पर इससे केक बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, केक जेल भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो इसको आप मैं स्पैचुला से पहले मिक्स कर रही हूँ, अब सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूँगी। अब हम मिला लेंगे इसमें 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और इसको हम पहले स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे, फिर हम इसे 1 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। तो इसको आप पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक बीटर एकदम से लगा देंगे तो ये उड़ भी सकता है थोड़ा सा, तो इसलिए आप पहले स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये मैंने इसको बीट कर लिया है। तो इस केक को आप ज़रूर घर पे ट्राई करके देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, एकदम रुई जैसा बनता है। और इसको आप बाद में इसे कट करके आप इसमें व्हिप क्रीम वगैरह लगा के आप केक अच्छा से ये रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने अब ले लिया है 1 कप मैदा। तो इसको आप धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करते रहिए, स्पैचुला से ही मिक्स कर रही हूँ अभी मैं, तो धीरे धीरे करके मिक्स करिए वरना इसमें लम्स बन जाएंगे और ये केक हमारा अच्छे से रेडी नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए कुछ मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/8 कप डाल रही हूँ ऑयल। तो ये रिफाइंड ऑयल है, कोई फ्लेवर का ऑयल मत डालिएगा वरना इसमें इसकी स्मेल आ जाएगी। और अब मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ, आप इसमें वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, ये क्योंकि ये पाइनएप्पल स्पॉन्ज है इसलिए मैं पाइनएप्पल एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने केक टिन को पहले से ही रेडी करके रखा है, तो मैंने इसमें केक टिन को अच्छे से ऑयल लगा करके इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था। अब मैं इसमें केक का जो बैटर है इसमें डाल देंगे, और हमारा जो भगोना मैंने प्री हीट होने के लिए रखा था तो वो भी प्री हीट हो चुका है। तो उसको 10 मिनट के लिए हमने प्री हीट होने के लिए रखा था। तो अब हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे एक बार और इसको हम रख देंगे अपने भगोने में। तो इसको हम रखेंगे 30 से 35 मिनट के लिए, और बीच में आप बिल्कुल भी खोल के मत देखिएगा वरना केक हमारा बैठ जाता है, जो इससे ही प्रॉब्लम होती है कि हम बीच में खोल के देख लेते हैं। तो जब तक थोड़ा टाइम नहीं हो जाता तब तक आप इसे खोल के बिल्कुल मत देखिए। और ये देखिए मैं इसको देख रही हूँ टूथपिक डाल के, अगर ये साफ़ आती है तो ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये मैं इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे पहले, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो मैंने बटर पेपर साइड वाला निकाल दिया है, अब मैं इसे पलट दूँगी और इसका जो ऊपर का बटर पेपर है उसे भी हम निकाल देंगे। और इस केक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप इसे जो कट करके आप इसे व्हिप क्रीम लगा करके और ऐसे जैसे केक बनाते हैं बिल्कुल वैसे बना सकते हैं। और इसमें जो ये केक बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे बेकरी से आपने मंगाया हो, कोई भी इस चीज़ इसको पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ये घर में बनाया है। तो इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने बनाया है तो ये कैसा बना। तो स्पॉन्ज को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब मैं इसमें लेयर कट करूँगी, तो ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने प्रोडक्ट ये भी अमेज़ॉन से लिया है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे ले सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। तो ये देखिए इससे ना बहुत ही पतली पतली लेयर्स कटती हैं और केक बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो ये एक साइड से मैंने कट कर दिया, अब इसे हम खोल के दूसरी तरफ घुमा देंगे जिससे दूसरी साइड से भी ये कट हो जाए। तो ये देखिए इधर से भी हम कट कर लेंगे इसको, और मैं आपको लेयर्स दिखाऊंगी कितनी अच्छी इसमें लेयर कट होती हैं।
तो ये देखिए कितनी अच्छी इसमें लेयर कट हुई है और ये बहुत ही केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए कितनी अच्छा जालियाँ आई हैं इसमें। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।